एक दिन बुद्धदेव को एक पार्टी में जाना था, लेकिन उसे पार्टी का कोड नहीं पता था। तो वह सोचता है कि चलो पेड़ के पीछे छुपकर देखते हैं कि बाकी सारे लोग पार्टी में जाने का क्या कोड बता रहे हैं। तो सबसे पहले जीवा आता है, तो वॉचमैन कहता है 5, तो जीवा कहता है 4 और अंदर चला जाता है। फिर आता है बद्रीनाथ, तो वॉचमैन कहता है 7, फिर बद्रीनाथ कहता है 5 और वो भी अंदर चला जाता है। और फिर आती है सबीना, तो वॉचमैन बोलता है 1, तो सबीना बोलती है 3 और सबीना भी ये कहकर अंदर चली जाती है। ये सब सुनकर बुद्धदेव को समझ आ जाता है कि पार्टी का कोड क्या हो सकता है। तो वॉचमैन बोलता है 8, तो दोस्तों अब आपकी बारी है, आप बताइए कि बुद्धदेव पार्टी का कोड क्या बताएगा। ध्यान से सोचिए और बताइए, आपके पास सोचने के लिए 10 सेकेंड है। तो पार्टी का कोड जानने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो आप क्या कर रहे हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों बुद्धदेव इसका सही जवाब बता देता है, इसका सही जवाब है 5। तो आइए जानते हैं कैसे। तो अगर आपने सबसे पहले सुना हो, जब जीवा आया था तो जीवा से वॉचमैन ने पूछा था 5, तो वो बताता है 4। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो नंबर पूछा जा रहा है उसमें कितने अल्फाबेट आ रहे हैं और वो ही पार्टी में जाने का कोड है। तो इस मज़ेदार पहेली के लिए अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब आप मेरे को इन इमोजी को देखकर बता सकते हैं कि इसमें से ऑड वन आउट क्या है। ध्यान से देखिए और बताइए। तो इसमें ऑड वन आउट है ये वाला इमोजी। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो एक दिन जीवा अपने डॉगी मैक्स को सैर पे ले जाने की सोचता है। उसे अपने डॉगी से बहुत ही प्यार था क्योंकि उसकी कीमत करीबन 10 लाख रुपए थी। फिर वह अपने डॉगी मैक्स को सैर पे ले जाने के लिए चला जाता है, लेकिन 15 मिनट बाद एक आदमी बहुत तेजी से आता है और उसके डॉगी मैक्स को चुरा कर ले जाता है। जीवा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और परेशान हो जाता है। तभी वह वहाँ पर लिटिल सिंघम को बुला लेता है। लिटिल सिंघम आने के बाद जीवा से पूछते हैं कि तुम्हें किन किन लोगों पर शक है, तुम्हारा डॉगी मैक्स कौन चुरा सकता है। तो जीवा बताता है कि मुझे 3 लोगों पर शक है, पहला ये बुद्धदेव, दूसरा बद्रीनाथ और तीसरा ये सबीना। मुझे इन 3 लोगों पर शक है, इनके मेरे डॉगी पर करीबन 10 साल से बहुत ही बुरी नज़र थी। तभी लिटिल सिंघम तीनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेते हैं। तो सबसे पहले लिटिल सिंघम पूछते हैं बुद्धदेव से। तो बुद्धदेव बताता है कि सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो अच्छा खासा आदमी हूँ और मैं तो अपने घर पर पढ़ाई कर रहा था। फिर वह पूछते हैं बद्रीनाथ से, तो बद्रीनाथ बताता है अरे सर मैं तो अपने स्कूल गया था। और फिर वह आखिरी में पूछते हैं सबीना से, तो सबीना बताती है अरे सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो घर पे टीवी देख रही थी और जहाँ तक बात करें मैं तो आज तक इसके डॉगी को देखा भी नहीं। इन तीनों के बयान लिटिल सिंघम ध्यान से सुनते हैं और समझ जाते हैं कि मैक्स की चोरी किसने करी है। तो दोस्तों क्या आपको समझ आया कि डॉगी की चोरी किसने करी है? अगर हाँ तो आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए, और अगर नहीं तो आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। ध्यान से सोचिए और बताइए। तो दोस्तों जीवा के डॉगी मैक्स की चोरी और किसी ने नहीं, चोरी करी है बद्रीनाथ ने, क्योंकि बद्रीनाथ बता रहा था कि मैं स्कूल गया था। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में देखा हो तो वहाँ पर जीवा के रूम में एक कैलेंडर टंगा हुआ था जिसमें जून का महीना लगा हुआ था। तो इससे पता चलता है कि जून का महीना चल रहा था और जून के महीने में बद्रीनाथ स्कूल कैसे चला गया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये पहेली? अगर अच्छी लगी तो चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखिए और मुझे यहाँ पर आप एक डिफरेंस बता दीजिए।
तो ऑड वन आउट है ये वाले इमोजी। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो जीवा एक बहुत ही अच्छा इंसान था। जहाँ पर वह गरीबों को देखता वह हमेशा उनकी मदद करने की सोचता। वैसे ही एक गरीब को वह अपने घर पे ले आता है। फिर घर पे लाने के बाद वह पूछता है कि क्या तुम पानी लोगे। वह गरीब कहता है नहीं मेरे को पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जीवा उस गरीब से थोड़ी देर बातचीत करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जीवा को ऐसा लगता है कि उस गरीब को लाना उसके घर पे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि जीवा को एकदम ऐसा क्यों लगा। ध्यान से सोचिए और बताइए। तो दोस्तों आई होप आपने मेरा जवाब जानने से पहले अपना आंसर कमेंट जरूर कर दिया होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि जीवा एकदम क्यों डर जाता है और कहता है कि मेरी ज़िंदगी ये सबसे बड़ी गलती है। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जीवा की जो परछाई है वह हम उसके फ्लोर पे देख सकते हैं। लेकिन अगर हम उस गरीब आदमी की परछाई के बारे में बात करें तो उसकी कोई परछाई नहीं है, यानी वह भूत है और जीवा उस भूत को अपने घर पे ले आता है। तो दोस्तों इससे ही जीवा को पता चल जाता है कि उस गरीब को लाना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब दोस्तों इसको देखकर आप मुझे बता दीजिए कि एक तरफ है बॉयज़ बाथरूम और दूसरी तरफ है गर्ल्स बाथरूम। तो क्या आप मुझे इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें क्या अजीब हैं। ध्यान से देखिए और बताइए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर अजीब चीज़ों के बारे में बात करें तो अगर हमने सबसे पहले देखा हो तो गर्ल्स बाथरूम में एक शेविंग रेजर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर शेविंग रेजर कहाँ से आ गया, वो भी गर्ल्स बाथरूम में। अब अगर हम दूसरी अजीब चीज़ के बारे में बात करें तो अगर आपने देखा हो तो बुद्ध वे टोपी पहनकर नहा रहे, तो टोपी पहनकर कौन नहाता है भला। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ही अजीब हैं। अगर ये वाली पहेली अच्छी लगी तो चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कीजिए। अभी जाना मत, आपके लिए एक पहेली क्वेश्चन ऑफ द डे बचा हुआ है। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसे लिखते तो हैं पर पढ़ते नहीं हैं। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और जिसने इसका सही जवाब दिया वो हमारे विनर होंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।